आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम ऑयल के साथ बनाकर तैयार करेंगे और साथ ही इसे बनाने में समय भी बहुत ही कम लगता है। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर आधा कप जितने मोरधन, इसे समा के चावल भी बोलते हैं, या आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगे तो आप इसे मार्केट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन चावलों को भिगोने के लिए रखेंगे। तो मैंने इन चावलों को पहले से ही एक घंटे पहले भिगो दिया था, आप चाहें तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। इन चावलों को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसे अलग कर दिया है। अब हम इन चावलों को एकदम बारीक पीसेंगे। तो मैं इन सभी चावलों को एक मिक्सी जार में डाल दूंगी। ये जो समा के चावल होते हैं इन्हें हम सभी व्रत में खा सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को व्रत में ज़रूर ट्राई करें। पूरे चावलों को इसमें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच जितना दही। मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश दही यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब हम इस जार के ढक्कन को लगा देंगे और इन दोनों चीज़ों को एकदम बारीक पीस लेंगे। याद रखें, आपको चावलों को एकदम महीन पीसना है। कुछ टाइम बाद इसे खोलकर चेक करेंगे और अभी हम एक स्पून लेंगे, जिससे हम इसमें देखेंगे कि इसमें चावल के दाने तो नहीं हैं। और साथ ही अभी ये मिक्सर जो है वो काफ़ी थिक लग रहा है, हमें इसके लिए हल्का लूज़ मिक्सर चाहिए, इतना ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इसमें 2 चम्मच जितना दही और डाल दूँगी। तो अगर आप इसमें दही और चावल का रेशियो देखना चाहें तो वो इक्वल है, जितना मैंने दही लिया था समथिंग सेम अमाउंट में ही मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं। अभी एक बार फिर से इसे पीस लेंगे और अब हम इसे खोलकर चेक करेंगे। अब ये अच्छे से पिसकर तैयार है, तो अब हम इस मिक्सर को एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। चावल के मिक्सर को बोल में डालने के बाद एक बार मिला लेंगे इसे अच्छे से, और अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको बैटर कुछ इस तरीके का रखना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घिसा हुआ कोकोनट यानी कि गोला, आप चाहें तो इसकी जगह कच्चा गोला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी किशमिश, 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर या फिर जैसा भी आप खाना पसंद करें। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जितना सेंधा नमक, या आप इसे लाहौरी नमक भी बोल सकते हैं, इसे हम व्रत में खाते हैं। थोड़े से हरी धनिया की पत्तियाँ, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, जीरा, अदरवाइज जो भी चीज़ आप व्रत में खाते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं खाती हूँ, इसीलिए मैंने उन सभी चीज़ों को स्किप किया है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बहुत थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह मूंगफलियों को भी इसमें रोस्ट करके डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जितनी शुगर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो शुगर को इसमें स्किप भी कर सकते हैं। मिला देंगे इन सभी चीज़ों को अच्छे से। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें लास्ट ऐड करेंगे मीठा सोडा, इसे खाना सोडा भी बोलते हैं, इसे हम 1 पिंच जितना डालेंगे, बहुत ज़्यादा ना डालें आप। और एक बार फिर से मिला देंगे इसे। तो इसके लिए हमारा बैटर एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो इस बैटर को अभी हम साइड से रख देंगे। और इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये अप्पे का स्टैंड लिया है। एक स्टैंड में मैं थोड़ा थोड़ा घी ग्रीस कर दूंगी। घी या ऑयल, आप जो भी ऑयल व्रत में खाते हो वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। और अभी हमने जो बैटर तैयार किया था उस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। याद रखें, बहुत ज़्यादा बैटर इसमें ना डालें, जितना एक बार में आराम से स्टैंड में आ जाए आप उतना ही बैटर डालें। इतने बैटर से समथिंग 2 बार में अप्पे स्टैंड का फुल हो जाएगा, इतना बैटर है ये। तो आप अपने अनुसार, अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं इन सभी चीज़ों का। अब हम इसे कवर कर देंगे और एकदम धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट के बाद एक बार वापस से खोलकर चेक करेंगे और इस पर ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से फूले हैं। ऊपर अच्छे से घी लगाने के बाद अभी इन सभी को हम पलटेंगे। तो इस तरीके से पलट दें इसे। देख सकते हैं आप, एक साइड से ये कितने अच्छे से सिक्का तैयार हुए हैं। बस इन्हें सेकते समय आपको याद रखना है कि आपको गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखना है, क्योंकि अप्पे का जो स्टैंड होता है उसका बेस काफ़ी हल्का होता है। तो अगर आप इसे तेज आंच पर पकाएंगे
तो इसका कलर ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा जो कि खाने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इन सभी को पलटने के बाद वापस से इसे 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसे दूसरे साइड से भी सिकने देंगे। अभी मैं आपको इसे दोनों साइड से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से सिककर तैयार हुए हैं। क्योंकि मैंने इसे धीमी आंच पर सेका है तो ये अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पके हैं। इन सभी को अभी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप इस नवरात्रि में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी मैं आपको इसमें से एक को तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने अच्छे से पककर तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, तो है ना इसे घर पर बनाना कितना आसान। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करना ना भूलें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।